फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत है। आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम ट्रायंगल है, उसकी थ्योरम 6.1 को करने जा रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या कह रहे हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका हम नाम रख लेते हैं ABC। और इसमें हमें बोला गया है जो एक लाइन है वो पैरेलल दी गई है किसी एक ट्रायंगल, हमें एक लाइन जो है वो पैरेलल दी गई है ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के। तो हम मान लेते हैं ये जो लाइन है इसका नाम रख लेते हैं DE, वो पैरेलल है साइड BC के। तो इसमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमें जो DE साइड लाइन है वो पैरेलल दी गई है BC के। टू प्रूव हमें जो ये लाइन जो पैरेलल दी गई है, ये जो दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें वो दो साइड प्रोपोर्शन दिखानी है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये AD बाई DB इक्वल दिखाना है AE बाई EC के। तो टू प्रूव में हमारे पास है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी फ्रेंड्स, तो हम वो कर लेते हैं। हम ट्रायंगल लेंगे ADE, इसमें हम E पॉइंट से AD साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। जिसका N पॉइंट पे वो AD को टच करेगी। और सिमिलरली इसी तरह हम जो D पॉइंट है उससे AE साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जो कि M पॉइंट पे टच करेगी। तो अभी हम जो ट्रायंगल है ADE, एक बार इस जो हाइट है EN इसको यूज़ करते हुए एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और एक बार DM को यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यूजिंग हाइट EN और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यूजिंग हाइट DM। तो इस हमें पता है गाइस, जो ट्रायंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो गाइस जो एरिया है ट्रायंगल ADE का EN हाइट को देखेंगे, तो हमारे इस ट्रायंगल में इस हाइट से जो बेस होगा वो होगा AD, और इस हाइट से जो बेस होगा वो होगा AE। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू बेस होगा हमारा AD और हाइट है हमारी EN, वो इक्वल होगा 1/2 इंटू जो बेस है वो होगा AE, हाइट होगी हमारे पास DM। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं, जिसमें हमें BE को ज्वाइन करना होगा और CD को ज्वाइन करना होगा। अब हम जो ट्रायंगल है वो लेंगे BDE और CED। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। इसका हम रीज़न लिखेंगे कि नहीं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे अगर कोई दो ट्रायंगल ड्रॉन होते तो उनका एरिया इक्वल होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि नहीं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में
दो ट्रायंगल विद सेम बेस, तो उनका एरिया इक्वल होगा, रीजन लिख लेते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू, इसमें हमारा जो बेस है वो होगा बी डी और हाइट होगी हमारी ई एन। अब इस ट्रायंगल में सी डी ई में जो हमारा बेस होगा वो होगा ई सी और हमारी हाइट होगी डी एम। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से, हम लिख लेते हैं डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, जो कटता होगा उसे काट लेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलता है ए डी बाय बी डी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रूव हो चुका है।